हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन। इस वीडियो में हम देखेंगे एरर डिटेक्शन के 10 क्वेश्चंस, और 10 क्वेश्चंस के साथ में हम 10 रूल्स को भी सीखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये जो आंसर है वो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताऊँगी जो कि मैंने आपको पार्ट टू में जो क्वेश्चन दिया था कमेंट बॉक्स में आंसर करने के लिए कि इसमें क्या एरर होगा और क्या उसमें करेक्शन होना चाहिए। तो अब मैं उसका आंसर आपको बताने वाली हूँ। सो हमारा क्वेश्चन क्या था, द पीएम एश्योर्ड द पीपल दैट हिज गवर्नमेंट वुड डू इट्स बेस्ट टू सप्रेस कम्युनलिज्म। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, जो इसमें हमारा एरर था वो कोई एरर नहीं है, ये हमारा नो एरर है। ओके फ्रेंड्स, ये हमारा नो एरर है। अगर यहाँ पर हमारा इट्स की जगह पर देयर होता तो गलत होता। इट्स की जगह पर हम देयर अगर यहाँ पर लगा होता तो वो गलत होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इट्स आया है वो गवर्नमेंट के लिए आया है, जो कि बिल्कुल सही है, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं और उसके लिए हम इट्स का यूज़ कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही है। अगर यहीं पर हमारा इट्स की जगह पर देयर लिखा होता तो वो हमारा गलत होता। सो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। सो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमारा कोई एरर नहीं है, दिस इज़ नो एरर। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू आर फर्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन। सबसे पहले आप खुद फाइंड आउट कीजिए कि इस पार्ट में एरर है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने एरर इसमें फाइंड आउट कर लिया होगा। देखिए, इसमें जो हमारा एरर है वो फ्यू में है। हमें यहाँ पे फ्यू की जगह द फ्यू का यूज़ करना है। ऐसा क्यों? देखिए, फ्यू के 3 रूल्स होते हैं। एक होता है फ्यू, एक होता है अ फ्यू, और एक होता है द फ्यू। ओके फ्रेंड्स, ये 3 हमारे यूज़ होते हैं। अब यहाँ पर फ्यू का मतलब क्या होता है? बिल्कुल न के बराबर, यानी कि बिल्कुल भी नहीं। सो ये हमारा नेगेटिव वर्ड हुआ। और अ फ्यू का मतलब होता है, यानी कि जब फ्यू के पहले आर्टिकल अ लग जाता है तो उसका मतलब होता है समथिंग, यानी कि कुछ। ठीक है, नेगेटिव नहीं होता, समथिंग। और द फ्यू का मतलब क्या होता है कि जितना भी है वो सब। ठीक है, द फ्यू का मतलब होता है जितना भी है वो सब। सो ये हमारे 3 मीनिंग होते हैं, फ्यू के, अ फ्यू के और द फ्यू के। सो इन मीनिंग्स के अकॉर्डिंग ही हम इनका सेंटेंस में यूज़ करते हैं। अब देखिए, हमारा सेंटेंस क्या कहना चाहता है कि ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। यानी कि उसके जितने भी फ्रेंड्स थे उसने वो लॉस कर दिए, जितने भी फ्रेंड्स थे उसने वो लॉस कर दिए। तो फ्रेंड्स, जितने भी थे उसके, इसका मतलब ये हुआ कि उस कुछ तो थे ना, यानी कि नेगेटिव नहीं है, कुछ तो थे। तो इसलिए हमें इसको पॉजिटिव में यूज़ करना है। अगर हम खाली फ्यू का यूज़ करेंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि फ्यू का मतलब क्या होता है, बिल्कुल ना के बराबर, यानी कि नेगेटिव। लेकिन यहाँ पे उसने कुछ फ्रेंड्स थे जो उनको लॉस किए, जिसने उनको लॉस किया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ तो फ्रेंड्स थे। अब जब कुछ फ्रेंड्स थे तो पॉजिटिव हुआ, और पॉजिटिव के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? द फ्यू का। अ फ्यू का भी हम यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने बताया ना आपको कि जितने भी फ्रेंड्स थे उनको लॉस किया, जितने भी थे वो सब। इसका मतलब मैंने आपको 3 मीनिंग में बताया था कि जितने भी थे वो सब किस में आता है? द फ्यू में। और अ फ्यू का मतलब क्या होता है? समथिंग। और फ्यू का मतलब क्या होता है? बिल्कुल ना के बराबर, यानी नेगेटिव। अब यहाँ पे हम जितने भी थे उतने सभी फ्रेंड्सों की बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे द फ्यू का यूज़ करना है। सो इन 3 रूल्स को आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और एग्ज़ाम में अक्सर इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और क्योंकि हमें फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू में डिफरेंस नहीं पता होता है, इसलिए हमारा क्वेश्चन आंसर जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो हम गलत कराते हैं। सो प्लीज़ आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। सो इसमें करेक्शन क्या हो जाएगा? ही इज़ अनफॉर्चुनेट इनफ टू लॉस द फ्यू फ्रेंड्स ही मेड ड्यूरिंग हिज स्टे एट पटना। ओके, हमें फ्यू से पहले द का यूज़ करना है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन।
सबसे पहले आप खुद फाइंड आउट कीजिए किस पार्ट में एरर है। ओके फ्रेंड्स, आई होप इसमें आपने एरर का फायदा लगा लिया होगा कि इसमें क्या एरर होगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो अमेरिका के प्रॉब्लम की बात हो रही है तो हमें यहाँ पे इंडिया का प्रॉब्लम की भी बात करनी है, यानी कि अमेरिका के प्रॉब्लम का कंपैरिजन इंडिया के प्रॉब्लम से हो रहा है, ना कि इंडिया से। अब यहाँ पे खाली इंडिया लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका के प्रॉब्लम की जो कंपैरिजन है वो हमने इंडिया से कर दी, जो कि गलत है। प्रॉब्लम का कंपैरिजन प्रॉब्लम से ही होगा और कंट्री का कंपैरिजन कंट्री से ही होगा, लेकिन यहाँ पे हम कंट्री का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, कंट्री के प्रॉब्लम्स के कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ पे इंडिया के बाद प्रॉब्लम लगाना ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, क्या हम प्रॉब्लम लगाएंगे या फिर सिर्फ अपोस्ट्रॉफी का यूज़ करेंगे? सो फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि अगर मैं लिखूँ इंडिया प्रॉब्लम, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे इंडियाज़ प्रॉब्लम, ठीक है, या फिर मैं लिखूँ इंडियाज़, या फिर मैं खाली इंडियाज़ का यूज़ करूँ, तो दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। यानी कि जब हम अपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करते हैं तो उसमें जो हमारा हिडन मीनिंग है, यानी कि प्रॉब्लम्स, उसके आगे का जो नाउन आना है वो इसमें हिडन होता है, उसको हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड रहता है। जैसे कि मैं यहाँ पे इंडियाज़ प्रॉब्लम की जगह खाली इंडियाज़ लिख सकती हूँ, क्योंकि उसमें जो इंडियाज़ में जो प्रॉब्लम वर्ड आगे आने वाला था वो इंडियाज़ में ही अंडरस्टूड रहेगा, हमें उसे दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो कभी भी ऐसे सेंटेंस आए तो आप इन खाली एपोस्ट्रॉफी एस लगा के ही सेंटेंस को कम्प्लीट कर सकते हैं। सो इसमें हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, अमेरिकाज प्रॉब्लम्स आर हाउ एवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडियाज। ओके इंडियाज, सो हम यहाँ पे इंडियाज का यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लास्ट इलेक्शंस द इलेक्टोरेट्स डिसइंटरेस्टेडनेस पजल्ड द पॉलिटिशियंस वेरी मच। सो ये है हमारा क्वेश्चन, सबसे पहले आप खुद फाइंड आउट कीजिए किस पार्ट में एरर है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू फाइंड आउट द एरर। देखिए इस क्वेश्चन में हमारा जो एरर है वो यहाँ पर है। इसमें क्या एरर है, इसमें हमें इलेक्टोरेट्स जो दिया हुआ है वो गलत है। फ्रेंड्स, इलेक्टोरेट का जो प्लूरल होता है वो इलेक्टोरेट ही होता है, इलेक्टोरेट, उसमें एस नहीं आता है और यहाँ पे एस लगा हुआ है इलेक्टोरेट्स, जो गलत है। इलेक्टोरेट खुद ही ऑलरेडी प्लूरल है। ओके, जब ये ऑलरेडी प्लूरल है तो इसमें एस हम नहीं लगाएंगे। ओके, इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, वोटर्स, तो यहाँ पे वोटर्स की बात हो रही है, वोटर्स के डिसइंटरेस्टेडनेस की बात हो रही है। अब जब यहाँ पे वोटर्स के डिसइंटरेस्टेडनेस की बात हो रही है तो हमें पोजेशन भी लगाना है, तो पोजेशन लगाने के लिए हम इस इलेक्टोरेट में एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ कर देंगे। किसका यूज़ करेंगे, एपोस्ट्रॉफी एस का यूज़ करेंगे। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, इलेक्टोरेट्स, यानी कि इलेक्टोरेट लिखेंगे सबसे पहले, इलेक्टोरेट, एंड देन हम इसी में एपोस्ट्रॉफी लगा के हम एस का यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो इसकी स्पेलिंग जो है वो यहाँ पे गलत दी हुई थी, करेक्ट स्पेलिंग हमारी ये होगी। सो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, इन द लास्ट इलेक्शन द इलेक्टोरेट्स, यहाँ से एस हटा के अपोस्ट्रॉफी लगा के एस लगाना है, ठीक है, इलेक्टोरेट एंड देन अपोस्ट्रॉफी एस, डिसइंटरेस्टेडनेस पजल्ड द पॉलिटिशियंस वेरी मच। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो आप ध्यान में रखिएगा कि इलेक्टोरेट्स जो होता है उसका जो प्लूरल फॉर्म होता है वो इलेक्टोरेट होता है, ना कि इलेक्टोरेट्स। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स आर फैटली इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट विच अकर्ड लास्ट नाइट नियर द रेलवे क्रॉसिंग। सो ये है हमारा क्वेश्चन, एंड फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ कि ये मैंने पिछली वीडियोज़ में ये रूल कवर किया हुआ है, तो आपको इसमें एरर फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके, सो सबसे पहले आप खुद फाइंड आउट कीजिए किस पार्ट में एरर है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू फाइंड आउट द एरर। देखिए इसमें जो हमारा एरर है वो आर में है। आर में क्या एरर है, हमें यहाँ पे आर की जगह इज का यूज़ करना है। ओके, आर की जगह हमें किसका यूज़ करना है, इज का यूज़ करना है। ऐसा क्यों, देखिए यहाँ पे द लीडर दिया हुआ है
और उसके लिए हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगा। अब आप कहोगे हिज फॉलोअर्स के लिए हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियोज़ में कि जब दो नाउन यानी कि दो सब्जेक्ट हमारे किसी कंजंक्शन से जुड़े हों, जैसे कि एज वेल एज, तो इस तरह के कंजंक्शन से अगर हमारे दो नाउन या दो सब्जेक्ट जुड़े हुए हों तो हम जो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट होता है उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसी के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब को लगाते हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट वाला सब्जेक्ट क्या दिया है, द लीडर, ओके, इसीलिए हम यहाँ पे द लीडर सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। सो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ होनी चाहिए, इज, ओके फ्रेंड्स, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए, इज। सो इसलिए हमारे यहाँ पे करेक्शन क्या हो जाएगा, द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स इज फैटली इंजर्ड इन द ट्रेन एक्सीडेंट विच अकर्ड लास्ट नाइट नियर द रेलवे क्रॉसिंग। ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो दिस वॉज द रीजन रिविजन ऑफ द प्रीवियस रूल आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोज। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैड कम फ्रॉम लंदन टू लिव विद हिम। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। सबसे पहले आप खुद फाइंड आउट कीजिए किस पार्ट में एरर है। ओके फ्रेंड्स, आई होप यू फाइंड आउट द एरर। देखिए इसमें जो हमारा एरर है वो हैड में है। यहाँ पे हमें हैड की जगह क्या यूज़ करना है, हैव का यूज़ करना है। ऐसा क्यों, क्योंकि फ्रेंड्स आप देखोगे कि जो सेंटेंस है ना वो हमारा प्रेजेंट में है। कैसे, देखिए यहाँ पे लिखा है ही सीम्स टू बी हैप्पी। अब यहाँ पे देखो ही सीम्स टू बी हैप्पी, ये सेंटेंस किस में है, हमारा प्रेजेंट में, राइट। उसके बाद फ्रॉम लंदन टू लिव विद हिम, ठीक है, फ्रॉम लंदन टू लिव विद हिम, यानी कि यहाँ पर भी हमारा प्रेजेंट यूज़ हुआ। सो जब हमारा पूरा सेंटेंस ही प्रेजेंट में है तो हम यहाँ पे हैड का यूज़ नहीं करेंगे, इसको भी हमें प्रेजेंट में बनाना होगा, इसलिए हमारा प्रेजेंट में यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। हैव क्यों, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो प्लूरल है, इसलिए हम हैव का यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, ही सीम्स टू बी हैप्पी बिकॉज हिज पेरेंट्स हैव कम फ्रॉम, हैव का यूज़ करेंगे, ओके, हैव कम फ्रॉम लंदन टू लिव विद हिम। ओके फ्रेंड्स, सो आपने समझा कि जब भी हमारा सेंटेंस प्रेजेंट में दिया हुआ हो, प्रेजेंट की बात कर रहा हो, तो हमारा पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे हैड लगा हुआ था जो कि पास्ट में यूज़ हो रहा था। ओके फ्रेंड्स, सो इसलिए हमें यहाँ पे किसका यूज़ करना है, हैव का यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट की बात हो रही है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग हु रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक। सो दिस इज अवर क्वेश्चन। सबसे पहले आप खुद फाइंड आउट कीजिए किस पार्ट में एरर है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने एरर इसमें फाइंड आउट कर लिया होगा। देखिए इसमें बहुत अच्छा रूल है। रूल क्या है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले मैं आपको एरर बता दूँ कि कहाँ पर है। यहाँ पर हु की जगह हमें दैट का यूज़ करना है, हु की जगह दैट का यूज़ करना है। ऐसा क्यों, देखिए एक बहुत ही अच्छा रूल है और वो ये, जब भी हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन है उससे पहले हम दो सब्जेक्ट दो नाउन का यूज़ कर रहे हों, जैसे कि हमने अभी एवरीबडी एंड यहाँ पे एवरीथिंग का यूज़ किया है, एवरीबडी एंड एवरीथिंग। अब आप जानते हो एवरीबडी का सेंस क्या है, पर्सन से, राइट, और एवरीथिंग का सेंस क्या है, जो थिंग्स होती हैं यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स। सो एवरीबडी यानी कि लिविंग और एवरीथिंग यानी कि नॉन लिविंग। तो आप देखोगे यहाँ पर हमारे दो सब्जेक्ट हैं, यानी कि दो एक तरह से हमारे वर्ड्स की बात हो रही है, जिसमें एक तो हमारा लिविंग है और एक हमारा नॉन लिविंग है। अब ऐसी चीज़ें जब हमारे लिविंग और नॉन लिविंग एंड से जुड़े हुए हों और हमें उनके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना हो, तो ऐसी कंडीशन में हम दैट का यूज़ करते हैं। किसका, दैट का। इसलिए हमारा इसमें करेक्शन क्या हो जाएगा, शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग दैट रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। ओके फ्रेंड्स, सो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए हमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना हो तो हम दैट का यूज़ करेंगे। ओके फ्रेंड्स,
सो आप ऑलरेडी जानते हो कि लिविंग के लिए हम हु का यूज़ करते हैं, लेकिन जब लिविंग और नॉन लिविंग दोनों एक साथ दिए हों तो हम दैट का यूज़ करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो लेट्स, सो देखिए फ्रेंड्स, हमारा करेक्शन इसमें क्या हो जाएगा। शी हेट्स एवरीबडी एंड एवरीथिंग दैट रिमाइंड्स हर ऑफ हर मिस्टेक्स। हु की जगह दैट हमें लगाना है। रूल आप ध्यान में रखिएगा कि जब भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का यूज़ हो और उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करना हो तो हम दैट का यूज़ करते हैं। दैट्स इट, दिस इज़ द सिंपल रूल। ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू डाउटेड अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय हु इज़ यूज टू वर्किंग हार्ड इन ऑल सर्कमस्टेंसेज। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन। सबसे पहले आप खुद फाइंड आउट कीजिए किस पार्ट में एरर है। ओके फ्रेंड्स, सो आपने आई होप इसमें एरर फाइंड आउट कर लिया होगा। देखिए जो इसमें हमारा एरर है वो डाउटेड में है। यहाँ पे हमें डाउटेड की जगह डाउट का यूज़ करना है। ओके, डाउटेड की जगह डाउट का यूज़ क्यों करना है? क्योंकि फ्रेंड्स आप देखोगे यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू लगी हुई है। किसका यूज़ हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, सो इस तरह से हमारा अगर हेल्पिंग वर्ब डू का यूज़ होता है तो हम हेल्प जो हमारी वर्ब आती है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में होती है, इसलिए हम यहाँ पे डाउट का यूज़ करेंगे। आप जानते हो जब भी हम डू डज का यूज़ करते हैं तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पे डाउटेड की जगह डाउट का यूज़ करेंगे। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो फ्रेंड्स ये हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, डू यू डाउट अबाउट द सक्सेस ऑफ दिस बॉय Who is used to working hard in all circumstances? So यहाँ पर doubted की जगह हमें doubt का use करना है। I hope this is clear to you. Let's move to our next question. So हमारा next question है, The amounts which the company has paid to the dependents of the dead worker was fairly unjustified. So this is our question. सबसे पहले आप खुद find out कीजिए किस part में error है। Okay friends, so I hope you find out the error. देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा एरर है वो फेयरली में है। यहाँ पे हमें फेयरली की जगह किसका यूज़ करना है? रेदर का यूज़ करना है। और मैं आपको रूल्स बता दूँ। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो हमारा रूल अप्लाई होगा वो ये कि पहले आप एक रूल देख लो कि जो फेयरली होता है वो आपका पॉजिटिव के लिए यूज़ होता है। ओके, और जो रेदर होता है वो नेगेटिव के लिए यूज़ होता है। जैसे कि मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँ, फेयरली गुड, फेयरली ऑनेस्ट, फेयरली क्लेवर। और अगर मैं बोलूँ रेदर गुड, रेदर ऑनेस्ट, रेदर क्लेवर, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव का डिफरेंस होता है। ओके फ्रेंड्स, सो फेयरली का मतलब फेयरली जो है हमारा यहाँ पे यूज़ नहीं होगा। या तो हम क्वाइट का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं, क्वाइट का भी यूज़ हम यहाँ पे कर सकते हैं, या फिर हम रेदर का यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। ओके, सो इस तरह से हम इसका यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, जो क्वाइट है वो हम पॉजिटिव के लिए और नेगेटिव के लिए दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। फेयरली का यूज़ हम ओनली पॉजिटिव के लिए करते हैं और रेदर का यूज़ हम नेगेटिव के लिए करते हैं। सो अगर मैं एक क्वाइट के लिए आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ तो एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा, शी इज़ क्वाइट राइट। ओके, सो दिस इज़ अवर पॉजिटिव सेंटेंस। नाउ अगर मैं एक क्वाइट के अकॉर्डिंग ही एक नेगेटिव सेंटेंस बनाऊँ, जैसे कि यू आर क्वाइट रॉन्ग, तो यहाँ पर रॉन्ग वर्ड आ रहा है जो कि क्या है, नेगेटिव है। और पहले जो मैंने सेंटेंस दिया था शी इज़ क्वाइट राइट, यहाँ पर राइट आ रहा था जो कि हमारा पॉजिटिव वर्ड है। सो आपने देखा कि क्वाइट का यूज़ हम नेगेटिव के साथ भी कर सकते हैं और पॉजिटिव के साथ भी कर सकते हैं। इसी तरह से अगर मैं रेदर का यूज़ करूँ तो मैंने आपको बताया था कि रेदर जो है वो हमेशा नेगेटिव के लिए आता है। सो रेदर के लिए अगर मैं सेंटेंस बनाऊँ तो क्या हो जाएगा, द फिल्म इज़ रेदर अम्यूजिंग। सो ये हमारा क्या हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया। अम्यूजिंग यानी कि नेगेटिव वर्ड, इसलिए हमारा ये पूरा सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सेकेंड अगर मैं एग्जाम्पल बोलूँ, द फिल्म इज़ रेदर बोरिंग, तो ये भी हमारा नेगेटिव हुआ, क्योंकि बोरिंग क्या होता है, नेगेटिव वर्ड होता है। सो आपने देखा कि क्वाइट का यूज़ जो हम करते हैं वो हमारा पॉजिटिव नेगेटिव दोनों के लिए आ सकता है, लेकिन जो हम रेदर का यूज़ करते हैं वो हमारा नेगेटिव के लिए आता है।
और फेयरली का जो यूज़ हम करते हैं वो हमारा पॉजिटिव के लिए आता है. ओके फ्रेंड्स, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. सो आप इस चीज़ों को ध्यान में रखिएगा कि फेयरली, क्वाइट और रेदर का यूज़ हम किस तरीके से करते हैं. अब आप अगर इस सेंटेंस में देखो तो यहाँ पे अनजस्टिफाइड का यूज़ हुआ है जो कि एक नेगेटिव वर्ड है, इसलिए हमें यहाँ पे फेयरली की जगह या तो हम क्वाइट का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम रेदर का यूज़ कर सकते हैं. ओके फ्रेंड्स, क्योंकि क्वाइट और रेदर जो हैं वो आपके नेगेटिव के साथ आ सकते हैं, सो इसलिए हमें यहाँ पे फेयरली की जगह या तो क्वाइट करना है या रेदर करना है. तो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, द अमाउंट्स विच द कंपनी हैज़ पेड टू द डिपेंडेंट्स ऑफ द डेड वर्कर वॉज क्वाइट अनजस्टिफाइड या फिर रेदर अनजस्टिफाइड. ओके फ्रेंड्स, सो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि फेयरली, क्वाइट एंड रेदर का यूज़ कैसे होता है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिसर वॉज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व इन ब्राइबरी. द ऑफिसर वॉज डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व इन ब्राइबरी. सो दिस इज अवर क्वेश्चन. सबसे पहले आप खुद फाइंड आउट कीजिए कि इस पार्ट में एरर है. ओके फ्रेंड्स, आई होप यू फाइंड आउट द एरर. देखिए इसमें जो हमारा एरर है वो कोई नहीं है, ये हमारा नो एरर है. ओके फ्रेंड्स, अच्छा लेकिन मैं इसमें आपको एक रूल बताती हूँ. वो रूल ये है कि डाउटफुल जो होता है उसके बाद हम इफ़ या फिर वेदर का यूज़ करते हैं, ठीक है, इफ़ या फिर वेदर का यूज़ करते हैं, लेकिन हम डाउटफुल के साथ में दैट का यूज़ भी करते हैं. डाउटफुल के साथ में दैट का यूज़ भी करते हैं. अब उनके अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग रूल्स हैं, तो मैं आपको बताती हूँ क्या रूल्स हैं. देखिए डाउटफुल के साथ हम इफ़ या वेदर का यूज़ कब करते हैं, जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव हो, यानी कि अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस हो. ओके, लेकिन डाउटफुल के साथ हम दैट का यूज़ कब करते हैं, जब हमारा सेंटेंस या तो नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव हो. ओके फ्रेंड्स, जैसे कि मैं अगर आपको एक नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल दूँ तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट डाउटफुल दैट ही विल कम टुडे. आई एम नॉट डाउटफुल दैट ही विल कम टुडे. सो फ्रेंड्स, आप देखोगे ये सेंटेंस एक नेगेटिव है क्योंकि इसमें नॉट का यूज़ हो रहा है, इसलिए हमने डाउटफुल के साथ में दैट का यूज़ किया है. आई एम नॉट डाउटफुल दैट ही विल कम टुडे. सो क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए हमने डाउटफुल के साथ दैट का यूज़ किया. अब अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव हो तो भी हम दैट का यूज़ करेंगे, जैसे कि डू यू डाउट अबाउट, डू यू डाउट दैट ही विल कम टुडे, डू यू डाउट दैट ही विल कम टुडे. सो फ्रेंड्स, आप देखो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें डू पहले आ रहा है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है. डू यू डाउट दैट ही विल कम टुडे, और डाउट के बाद हमने दैट का यूज़ किया क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डाउट के बाद हम दैट का यूज़ कब करते हैं, जब या तो सेंटेंस नेगेटिव हो या फिर इंटरोगेटिव हो. अब क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए हमने डाउट के बाद इसमें दैट का यूज़ किया. डू यू डाउट दैट ही विल कम टुडे. सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू कि हम डाउटफुल के साथ इफ़ या वेदर का प्रयोग ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, और डाउटफुल के साथ अगर हम दैट का यूज़ करना चाहें तो वो हम खाली नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में ही कर सकते हैं. अब क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये हमारा, इसमें हमारा नॉट या फिर इंटरोगेटिव नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पे इफ़ जो हमने यूज़ किया है वो बिल्कुल सही है. हम यहाँ पे इफ़ की जगह वेदर का भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी सही होगा. ओके फ्रेंड्स, सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. सो आप इन रूल को ध्यान में रखिएगा कि डाउटफुल या फिर डाउट, इनके साथ में हम इफ़ और वेदर का यूज़ कब करते हैं और दैट का यूज़ कब करते हैं. सो फ्रेंड्स, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड बीन डिस्कवर्ड अमेरिका. सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन. सबसे पहले आप खुद फाइंड आउट कीजिए कि इस पार्ट में एरर है. ओके फ्रेंड्स, आई होप यू फाइंड आउट द एरर. देखिए इसमें जो हमारा एरर है वो बीन में है, हम यहाँ पे बीन का यूज़ नहीं करेंगे. ऐसा क्यों फ्रेंड्स, जो हैड बीन हो जाता है वो आपका पैसिव में बन जाता है. हैड बीन और वर्ब थर्ड जब हम लगाते हैं तो वो हमारा पैसिव में बन जाता है,
जबकि हम यहाँ पे मैन के द्वारा अमेरिका को फाइंड आउट करने की बात कर रहे हैं, ना कि हम मैन को फाइंड आउट कर रहे हैं। अब क्योंकि हम अगर हैड बीन और डिस्कवर्ड का यूज़ करेंगे तो सेंटेंस हमारा पैसिव हो जाएगा, और पैसिव का मतलब क्या होता है कि सब्जेक्ट पर ही वर्क होना। अब यहाँ पे सब्जेक्ट पर वर्क नहीं हो रहा है, सब्जेक्ट ही वर्क कर रहा है, यानी कि सब्जेक्ट ही डिस्कवर कर रहा है। इसलिए जब सब्जेक्ट ही डिस्कवर कर रहा है तो हम इसे पैसिव में नहीं रखेंगे, इसलिए हमें हैड के बाद बीन को हटाना होगा। सो हमारा करेक्शन क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट्स वेदर दे कुड टेल द नेम वेदर दे कुड टेल द नेम ऑफ द मैन हु हैड, ओके हु हैड, बीन को हमें हटाना है, हु हैड डिस्कवर्ड अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, सो इसलिए हमें इसमें बीन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि बीन लगाने से ये सेंटेंस हमारा पैसिव में बन जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 10 क्वेश्चंस, और फ्रेंड्स इन 10 क्वेश्चंस के साथ में हमने 10 रूल्स को कवर किया। सो अब आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। सो क्वेश्चन क्या है, आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान, आई फील अ सर्टेन प्रॉब्लम इन द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्लान। सो दिस इज़ अवर क्वेश्चन, एंड इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसमें क्या एरर होना चाहिए और क्या करेक्शन होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये हमारी वीडियो थी एरर डिटेक्शन की। ओके, इसके पहले के जो पार्ट हैं वो कंप्लीटेड हो चुके हैं, आप चाहें तो उन्हें हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और कमेंट बॉक्स में भी दिया हुआ है, वहाँ पर आप सिंपली क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसमें जो क्विजेज होती हैं करंट अफेयर्स एंड अदर सब्जेक्ट्स की, आप उन्हें अटेंड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आप शेयर करके ये वीडियो उन लोगों तक पहुंचा सकते हो जो कि कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और फ्रेंड्स हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड्स, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।